हेलो दोस्तों, अभी हमें साबरमती आश्रम और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लेना दोस्तों। ये साबरमती आश्रम का परिसर है। हम म्यूजियम से निकल कर बाहर आ रहे हैं और साबरमती नदी की तरफ जा रहे हैं। साबरमती नदी इस आश्रम के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है और ये साबरमती परिसर है। बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का, बहुत ही शांति का वातावरण है। तो आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का और ये साबरमती नदी है, आप देख सकते हैं सामने है। बिल्कुल आश्रम के जस्ट बगल में ही है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं खाली समय में। और अभी हम गांधी जी के म्यूजियम की तरफ जाते हैं जहाँ वो रहते थे और उनका जो पुराना सामान है जो वो यूज करते थे, जैसे चश्मा और खड़ाऊँ, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। सारा चरखा रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये चरखा है। ये गांधी जी का वही चरखा है जो वह इस्तेमाल करते थे, ये वही ओरिजिनल चरखा है तो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यह वही चरखा है, ये उनका सामान रखा हुआ है अभी तक। आप देख सकते हैं ये गांधी जी का चरखा है जो उस समय वह उससे सूत बुनते थे। और यही वो जगह है जिस जगह वो रहा करते थे। और ये वाला रूम है कस्तूरबा गांधी जी का, यह वही रूम है जिस रूम में कस्तूरबा गांधी रहा करते थे। आप देख सकते हैं, तो ये था कस्तूरबा गांधी जी का रूम। और अब बगल में चलते हैं और ये वाला रूम है मेहमानों के लिए, ये मेहमान घर है। यहाँ पर जो भी गेस्ट आते थे वो यहाँ पर रुकते थे, तो ये गेस्ट रूम है। अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रसोई घर है, ये गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी का रसोई घर है। यहाँ पर उनका पहले का जो सामान वो यूज करते थे, डेली यूज का सामान, वो यहाँ पर रखा हुआ है अभी तक। आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं सामान पूरा उनका अभी तक रखा हुआ है। चम्मच, छुरी, ये सब डेली यूज का सामान है। और ये प्लेट, चश्मा, खड़ाऊँ, ये उनका सामान, वही सामान है जो वो यूज करते थे। और ये गिलास है, मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ चीनी के बर्तन हैं जो वो यूज करते थे। और अब हम इस कमरे के बाहर की तरफ चलते हैं। ये बरामदा है जहाँ पर गांधी जी ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके।